हेलो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला, ये क्वेश्चंस मैंने आरएस अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 10D, क्वेश्चन नंबर 19। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19, पार्ट 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दैट इज kx² प्लस 6x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इक्वेशंस है मतलब वैल्यू के का वैल्यू क्या होगा, तब ये इक्वेशंस दैट इज kx² प्लस 6x + क्या होगा, रियल्स एंड डिस्टिंक्ट। हमने पढ़ा है जब रियल और डिस्टिंक्ट कब होता है, जब डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगा, तभी क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। और डी का जो हम लोग डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दैट इज b² - 4ac, मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रियल और डिस्टिंक्ट हो दिया हुआ है, तब हम k का वैल्यू इसमें डाल लिख के तब k का वैल्यू इसमें मेंशंस करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अभी देखिए a का वैल्यू कितना है, दैट इज k, मतलब कोफिशियंट ऑफ x² का k है। और b का वैल्यू कितना है, दैट इज 6 है कोफिशियंट ऑफ x, और c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम यहाँ फॉर्मूला में डालते हैं, तो 6² - 4 a का वैल्यू कितना है, k * 1 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है, क्यों, जो इक्वेशंस है वो बोल रहा है रियल और डिस्टिंक्ट है, तो ये इक्वेशंस कंडीशन डाल दिए। तो 6 = 36 - 4k इज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 36 इज ग्रेटर देन 44k, तो मतलब क्या आ गया, 4k इज लेस देन 36, करेक्ट ना, 4k इज लेस देन 36। हम क्या करेंगे, k इज लेस देन 36/4 कर सकते हैं, तो k इज लेस देन 9, मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना, तो मैंने k का जो वैल्यू आएगा वो 9 से कम आएगा, तभी ये इक्वेशंस रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग होगा। चलिए इसको एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है के का वैल्यू हम इसमें डालते हैं तो ये इक्वेशंस रियल और डिस्टिंक्ट होता है कि नहीं। तो 9 है, तो 9 से हम, चलिए एक बार ग्रेटर लेते हैं, 9 से ग्रेटर लेते हैं, मतलब 9 से ज़्यादा ले लेते हैं, 9 से मतलब 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 से हम ज़्यादा ले लेते हैं, 10 लेते हैं। ठीक है, 10 ले लेते हैं, तो x की जगह पे मतलब k की जगह पे हम 10 डालते हैं, तो देखिए तो क्या हो गया, 10x², ठीक है, 10x² प्लस 6x + 1 इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसका हम d का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इक्वल टू d का वैल्यू क्या, b², मतलब 36 - 4 a * c। तो देखिए ये 36 - 40, अब देखिए ये d क्या है, ये कितना हो गया, -4 हो गया, मतलब d इज लेस देन 0, तो 0 तो क्या होगा, वो रूट्स रियल होगा, नहीं होगा, नो रियल रूट्स होगा, तो मतलब हम जो k का वैल्यू होगा क्या, 9 से कम होगा। तो चलिए एक बार k का वैल्यू 8 डाल के देखते हैं, तो क्या हो गया, 8x² प्लस 6x + 1, फिर d का वैल्यू निकालते हैं, तो b² कितना, 36 - 4 a + 1, 36 माइनस कितना हो गया, 32। अब देखिए क्या, ये 4 आया, ये पॉजिटिव साइन, मतलब d से 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या कि हमको k का वैल्यू 9 से कम वाला डालना है, तभी ये इक्वेशन मेरा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कितना है, 2 इज x² - kx + 9 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसी तरह हम d का ग्रेटर देन 0 करते हैं, तो a का वैल्यू कितना है, 1 है कॉमा, b का वैल्यू कितना है, -k है, और c का वैल्यू कितना है, 9 है। तो हम क्या फॉर्मूला, b² - k² - 4 a कितना है, 1 * c 9 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, तो k² - 9 = 36 k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी k² इज ग्रेटर देन 36 हो गया, इसका मतलब k
स्क्वायर इज के स्क्वायर के इज ग्रेटर देन रूट ओवर 36, इसको लिख सकते हैं। आप देखिए जब के को हम एक स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या के इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 6 हो गया। अब देखिए कि हम लोग के का वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्या लिखते हैं, के इज ग्रेटर देन 6 और के इज लेस देन -6। अब देखिए ये सब आंसर आप लोग को बुक्स पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, हम मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए यदि के इज ग्रेटर देन 6 है और के इज ग्रेटर देन -6 है, तो पहला चीज आप ध्यान में रखिए, या आप लोग को पता है कि यदि कोई भी पॉजिटिव साइंस में, पॉजिटिव नंबर्स में नेगेटिव साइंस लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे विच वन इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर। अरे इसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं, -2 और ये -3, तो कौन ग्रेटर है, तो ये -2 ग्रेटर हो गया। मतलब नेगेटिव साइन आने का ही मतलब क्या हो गया कि उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, लेकिन इसको इसका डीप में जानने के लिए ये क्लास 11 में दिया है कि कौन सा नंबर्स को कंसिडर करेंगे, ये क्यों नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, वो आपके इस पे सिलेबस पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अभी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी नंबर पे यदि नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।